صلي على محمد وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. तिलावत इकलामे पाक के लिए गुजारिश करूंगा जनाब आगा मुख्तार साहब से कुत तशरीफ लाएं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत बारदीगर सलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله جزاك الله گزارش کروں گا جناب خاور علی خاوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں सब आपने आपने बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत दुरूद बर मोहम्मद आले मोहम्मद बर दीगर दुरूद बर मोहम्मद हम अहले बैत नबुवत का प्यार रखते हैं हम अहले बैत नबुवत का प्यार रखते हैं खिजां के दौर में भी हम बहार रखते हैं हम अहले बैत नबुव्वत या रसूल अल्लाह या अली हैं बूतुरा भी हमें दुनिया से नहीं मतलब हैं बूतुरा भी हमें दुनिया से नहीं मतलब गरीब लोग हैं फिर भी वकार रखते खिजां के दौर में भी हम बहार रखते हैं हम अहले बैत नबुव्वत का प्यार रखते सदा हमें ना तू वाइज तुझे खबर है के हम सदा हमें ना तू वाइज तुझे खबर है के हम मैं विलाए अली का खुमार रखते हैं हैदरी
अली है हकम है इक्तदार खुदा का मगर अली है हकम कजाओ कदर पे वो इख्तियार रखते अली के नक्श कदम पे हो खावरी का सफर अली के नक्श कदम पे हो खावरी का सफर हमेशा नादे अली का हिसार रखते हैं खिजा के दौर में भी हम बहार रखते हैं हम अहले बैत नबूवत का प्यार रखते और हमें गुजारिश करेंगे जनाब मास्टर नियाज अहमद साहब से तशरीफ लाएं जनाब मास्टर नियाज अहमद साहब सलवात पर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मौला हुसैन या हुसैन इस तो करा मैं वद की बड़ाई हुसैन दी इस तो करां मैं वदे की बड़ाई हुसैन दी खालिक विए खुदाई हुसैन दी इस तो करा मैं वध की सूरत दुश्मन
भी कर सके ना बुराई हुसैन दी करबल माने करूंगा जनाब अज़र ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ लाएं बर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलावात बावाज वलन सलावात मसरूफ़े सलाम शोहदा रहता है गो रहता नहीं पर ना काट गए बाद फना दस्त हुसैन एक ना एक जुल्म तेरे
शिमर कहता था यही माँ है अली अकबर की, जिसका एक हाथ कलेजे पे धरा रे अगला। ये थे जनाब हज़रत ज़ैदी साहब। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात इनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। और तू मजलिसे हुसैन में आंसू बहा के देख, तू मजलिसे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। और इसी के साथ गुजारिश करूंगा किबला काबा खैतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन सुन्नर अली साहब से कि मस्जिदा से खिताब फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं पीछे से, आगे आ जाए प्लीज़। मोमिनीन मोमिनात, आपसे गुजारिश है एक मरतबा सूरह फातिहा, तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमीन खलीफा इफ्तिखार हुसैन, साजिदा बतूल, सादिका बतूल, मुबीना सुल्ताना, सैयद विलायत हुसैन रिजवी, सैयद आमिर रिजवी, याकूती बेगम, जर्जीस हुसैन जैदी, सोरा बेगम को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास
वन नजर वल इफ्तार वल मजलिस वल कुरआन बेतवसुत अल-अंबिया वल मुरसलीन सैयदत निसाइल आलमीन الائمه الطيبين الى الارواح المذكورين المنذورين اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي وآل بيته الطيبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم من وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي قابل قدر سادات و مومنین و مومنات آج المهدی سنٹر بروکلن न्यूयॉर्क में चंद मिनट के लिए जो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हो रही है खलीफ़ा नफीसुल हसन खलीफ़ा नासिर मुबशर हसन सैयद के मरहूमीन मरहूमात के लिए और इनके अहले खाना के मरहूमीन मरहूमात के लिए इसका उनवान सुखन भी मैंने नाद अली रखा है और चंद नुक्ते आज पेश करूँगा नाद अली अलैहिस्सलाम के बारे में। पहला नुक्ता तो ये बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम बन जाओ अल्लाह के मददगार। तो अगर ईमान वाले अल्लाह की डिमांड पर मदद की सप्लाई दे सकते हैं तो कुल ईमान मोमिनों को सप्लाई कैसे नहीं दे सकते। इद काला ईसा इब्न मरियम, कुरान कहता है कि ईसा इब्न मरियम ने कहा हवारियों से लिल हवारीना मन अंसारी इल्लाह, ईसा कह रहे हैं हवारियों को जमा करके कि तुम में से कौन है जो अल्लाह के लिए अल्लाह की बाबत मेरी मदद करे। काल अल हवारीना नहनो अंसारुल्लाह, हवारी ये नहीं कहते कि हम आपके मददगार हैं, वो कहते हैं हम अल्लाह के मददगार। तो नबी की मदद हो गई अल्लाह की मदद, नबी की मदद है अल्लाह की मदद। अब आपकी मर्जी, या अल्लाह मदद कहें या अली मदद कहें या नबी मदद कहें, हर जंग में नबी को मदद देने तो अली आए हैं। अल्लाह सलामत, शुक्रिया। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, हुजूर भी पढ़ते थे नमाजों में और हम से ज़्यादा पढ़ते थे, सारी उम्मत से ज़्यादा वज़न है हुजूर का। तो अब आप मुझे बताएं, वो ख़ुद भी तो पढ़ रहे हैं ना कि हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से, ये है हिसा, ये हसर है, हम तेरे अलावा किसी से मदद मांगते नहीं हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। बदर में भी तुझी से मदद मांगी, ओहद में भी तुझी से मदद मांगी, खंदक में भी तुझी से मदद मांगी, हर जंग में खैबर समेत हुनैन समेत 84 जंगों में मदद तुझी से मांगी, मगर क्या करे देने वाली आए। मौला सलामत रखे, देने वाली बड़ी में सलामत रहिए। शाबाश शाबाश। हैदर हैदर हैदर, माशाल्लाह। तो अब ये कंसेप्ट भी वाजे हो गया कि नबी से ज्यादा तो कोई बड़ा मुवाहिद नहीं है ना।
नबी से बड़ा भी कोई मुवाहिद हो सकता है? गैर अल्लाह की मदद के ताने देने वालों नबी को दो ना। देने के लिए अब बात परसों की तकरीर से मुत्तसिल हो गई कि एक होता है गैरुल्लाह, गैरुल्लाह से बिल्कुल मदद न मांगना, यह शिर्क है, यह कुफ्र है, यह जलालत है। गैरुल्लाह से बिल्कुल मदद न मांगना, हमने मदद उससे मांगी है जो ऐनुल्लाह है, जो यदुल्लाह है, जो जंबुल्लाह है, जो लिसानुल्लाह है, जो वजहुल्लाह है, जो वलीउल्लाह है। तो ये समद मियां ने भी लिखा मजमून अखबार में, मैंने पढ़ा कि या अली मदद, नादे अली, नादे अली इसमें आजम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, नादे अली कैसे इसमें आजम नहीं, जब मूसा के पास इसमें आजम है, जब हारून के पास है, ईसा के पास है, तो क्या अली के पास इसमें आजम ना होगा? अली का तो खुद नाम ही इसमें आजम है। मेरे एक क्लास फैलो थे, बड़े बदबूदार थे, बड़े सख्त किस्म के नजदी थे, थे हमारे क्लास फैलो, दूसरे आए नहीं वरना उनके सामने उनको पता चल जाता। एक डेस्क पे हम बैठते थे, तो उन्होंने, हमने कहा एक जगह चलना है मजलिस में, तो कहने लगे कि वहाँ तो या अली मदद कहना पड़ेगा। तो मैंने कहा कहना तो पड़ेगा। कहने लगे कि फिर कोई रास्ता बताएं। मैंने कहा मैं रास्ता बताता हूँ, आप अल्लाह मुराद ले लीजिएगा, क्योंकि अल्लाह भी तो अली है। आज अभी पिछले साल मिल गए जहाज में बाय चांस, तो कहा या अली मदद। मैंने कहा आप कायल हैं का सबक तो आप ही ने पढ़ाया था, तो जो बहुत अली से घबरा रहे हैं वो या अली मदद कह ले, उसी की मुराद ले ले, देने तो फिर भी अली ही को आना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह देने तो फिर भी अली। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आज रिजॉल्व हो गया, ये जो गुत्थी आज सुलझाई है ये 5-7 मिनट में, इसके लिए आज की मजलिस रखी गई कि कन्फ्यूजन ना हो जाए। बिल्कुल हम मुशरिक नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम मुनाफिक नहीं हैं, हम अल्लाह ही से मदद के कायल हैं, मगर मजबूरी हमारी ये बन गई है कि अली देने अली आ रहे हैं, देने अली इजी एक्सेस है, इसलिए हमने कहा चलो शॉर्टकट ले लेते हैं, जब देने इसी ने आना है तो या अली मदद लीजिए। अल्लाह को अली का भी खालिक समझते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा को अली का भी रसूल समझते हैं, ये हमारा अकीदा है। अच्छा एक आयत और सुन लीजिए, लकद अरसलना रसूलना बिल बय्यनात वअनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ाना, जाके बैठो, लियकूमन्नास बिल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है लकद हमने अपने रसूल भेजे बय्यनात के साथ, मौजज़ात के साथ, कोई नबी बगैर मौजज़े के नहीं आया। छोटा से छोटा मौजज़ा बंदर बनवा लेना, मुनकरों को, मुखालिफों को बंदर बनवा लेना, ये छोटा मौजज़ा है। तो मौजज़े लेकर आए, वह अनजलना माहुमुल किताबा, हमने नबियों के साथ किताब नाजिल की, या उनकी अपनी या पहले नबी की या बुकलेट सहीफा, और वल मीज़ाना, और हर एक के साथ नबी के साथ हमने मीज़ान भेजा। क्यों? ले यकूमन नासो बिल किस्त, ताकि लोग फैसला करें तो अदल के मुताबिक करें। तो मौजज़े भी आ गए, किताब भी आ गई,
मीजान भी आ चुका, अब वअंजलना अलहदीदा, और हमने अपने नबी को नवाजा जुल्फिकार से, है अली के लिए नवाजा नबी को, समझे समझे, है मदद खुदा की देने अली आ रहे हैं, हमने नवाजा। وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, और हमने नाजिल किया खास लोहा। अल जब आ जाए, हमारे सरेकी में कहते हैं अल पड़ गई है, ये अल जो पड़ती है मतलब होता है कि ये खास चीज है, ये खास कोई लोहा है, ये आम लोहा नहीं है, इसका स्टेटस नुजूल में कुरान की तरह है, खुदा शाहिद है, जैसे कुरान नाजिल हुआ वैसे जुल्फिकार नाजिल हुई। अब कुरान कह चुका कि जो नाजिल करदा इलाही का मुनकिर हो, मुखालिफ हो, वो काफिर है, वो जालिम है, वो फासिक है। तो जब अली के वेपन का मुनकिर जालिम है, काफिर है, फासिक है, तो उम्र भर अली से लड़ने वाले अमीरुल मोमिनीन कैसे हो गए, खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे हो? वानजलनल हदीद, फीह बासुन शदीद, इसमें है शदीद सख्ती। बास कहते हैं बास सख्ती को, शदीद और सख्त, शदीद सख्ती बहुत ज्यादा है इसमें सख्ती। इसमें नरमी कोई नहीं कि कोई वीआईपी आए या नॉन वीआईपी आए, ये रगड़ देती है, सख्ती है इसमें। फीह बासुन शदीद, तभी तो वो पर्दा गैबत में यही वेपन लेके बैठा है कि जब आएगा यमलाउल अर्ज़ किस्तन वादला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वानजलनल हदीद, हमने नाजिल किया जुल्फिकार को, फीह बासुन शदीद, इसमें है बड़ी सख्ती, व मनाफिउल लिन्नास, मोमिनों के लिए फायदे भी हैं, असहाबे रसूल के लिए फायदे भी हैं, मनाफे उलिन्नास। और क्यों हमने नाजिल किया वेपन को, जब मोजज़े दे चुके थे, किताब दे चुके थे, मीज़ान दे चुके थे, रसूल भेज चुके थे, ये हमने क्यों नाजिल किया? वले यालम अल्लाह, अल्लाह जान ले, मैं यंसुरुहू व रसूलहू बिल गैब, वले यालमा, अल्लाह को यकीन हो जाए कि कौन अल्लाह की मदद करता है जुल्फिकार के बलबोते पे, समझे समझे खुदारा, कौन अल्लाह की मदद करता है और कौन सारे रसूलों की मदद करता रहा है गैब में रहकर। आप मांगे ना मांगे, हर रसूल ने कहा है या अली मदद। अब बात समझ में आ गई। अब आप ईमान से बताएं कि ये जो अल्लाह फरमाता है कि हमने अहद लिया बनी इसराइल से कि देखो तुम वादे करना पक्के कस्मे खा के, सुम जाकुम रसूल, फिर आएगा रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जो तुम्हारे पास है उस सब का तस्दीक कुनिंदा होगा। तस्दीक कुनिंदा के लिए क्या करना? वला वला तो मिनुन्ना बेही वला तंसुरुन्नहू, तुम सारे नबियों पे ईमान भी लाना और उनकी मदद भी करना। जो पहले मर गए वो बाद वालों की मदद क्या करेंगे? अगर अली ना हो मदद का मफहूम ही खत्म हो जाए। अब कुरान से एक बात और सुन लें और यहीं पे तकरीर खत्म हो जाए। देखिए, अलैयक्फियकुम अयुमिद्दकुम
ربكم بسلاسة من الملائكة بسلاسة آلاف من الملائكة. पढ़ो ना आगे, वो और है मुनजलीन है, ये भी बड़ा मसला हो गया मेरे लिए, डबल इम्तिहान देने पड़ रहे हैं, वो बाद में आएगा. युम दिदकुम हाजा युम दिदकुम रब्बकुम बे खम्सते आलाफ मिनल मलाइकते मुसव्विमीन, यहाँ पर है. तो खैर चलिए, मुर्दफीन भी है, मुनजलीन भी है, मुसव्विमीन भी है. इसमें मैं बहस में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं बिल्कुल. ज़ाहिर है हाफिज़ को भी रोज़ा लग रहा है बेचारे को. तो बस मैं आखिरी बात कहूँ कि ये जो लफ्ज़ आया ना युमदिदकुम युमिद्दकुम, ये युमिद्दा ये मुज़ाफ़ है, मद्दा यमुद्दो अमद्दा युमिद्दो, ये मद्दा यमुद्दो या अमद्दा युमिद्दो बाबे सुलासी मुजरद हो या मजीदुन फ़ी हो, इसका सुलासी मुजरद का जो मस्तर निकलता है वो निकलता है मदद. देखिए कुरान में है फल यमदुद इलस्समा, है कि नहीं, कि ये अलग है फल यमदुद इलस्समा. अगर कोई चाहता है अल्लाह से मुकाबला करे तो रस्सी तान दे, रस्सी खींच दे आसमान तक और अल्लाह को ढूंढ ले. तो गोया मद्दा या मुद्दू आता है खींचने के माने में. मुद्दा तिफलन मिनल बेर, ये कुएं में बच्चा डूब रहा है इसको खींच ले. मदद का माना होता है खींचना. भैया और किसी में खींचने की सलाहियत ही नहीं है, जो खुद डूब रहे हो वो उम्मतों को क्या खींचेंगे. मदद का मफहूम ये है, मदद का मफहूम ये मदद का माना ये होता है कि अल्लाह मदद करेगा. आया काफी नहीं तुम्हारे लिए कि अल्लाह मदद करे 3000 से, पहले 1000 फिर 3000 फिर 5000, तो गोया मदद आ रही है 5000 की शक्ल में. अब यहीं से या अली मदद का मफहूम और नादे अली का समझ में आ जाएगा. अभी तो नादे अली नहीं उतरी थी ना, और 5000 फरिश्ता अली की शक्ल में उतर आया. अली की शबी बन के उतर आया. अभी भी नहीं समझे हैं मदद अली करेंगे अपनी शक्ल में या फरिश्तों की शक्ल में. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अली ही मदद करे. अब एक जुमला अपने सुन्नी भाइयों के लिए भी कह दें, सुन्नी भाई बहनें, जो आज एक सुन्नी बहन ने आज सवाल भी किया है, ये हमारे शिया को भी चाहिए, शियों को चाहिए, मुफ्ती न बनो खुदारा, अपनी तरफ से फतवे ना दो, गलत फतवे ना दो, हमारे मज़हब को बदनाम ना करो. हम सुन्नियों के निकाह का एहतराम करते हैं, हम क्रिश्चियन की मैरिज का भी एहतराम करते हैं, हम ज्यूज़ की मैरिज का भी एहतराम करते हैं, हम हिंदुओं सिखों की मैरिजेस के भी एहतराम करते हैं. इस्लाम एहतराम का मज़हब है, बे एहतरामी का मज़हब नहीं है. ये फतवे ना दो कि सुन्नियों का निकाह नहीं होता है. वो बेचारी एक बहन ने घबरा के लेटर लिख दिया है, ऐसे बिल्कुल नहीं है. सुन्नियों का जो निकाह उनके तरीके पे है वो बिल्कुल ठीक है जो वो कर रहे हैं. हमारे यहाँ सीगा जारी होता है, उनके यहाँ सीगा जारी नहीं होता, ये बताना भी ज़रूरी है ताकि पता भी चले, मगर निकाह निकाह है. खैर बात बहुत दूर ना चली जाए, एक बात और समझ लें और मुझे इजाज़त दे दें. हर जगह तो मौला अली मदद के लिए आ रहे हैं, मैं भी कहता हूँ या अली मदद कीजिए. ये जो लेट आते हैं ये टाइम पे आए, ये कुरान में जो बच्चे नहीं भेजते ये बच्चे भेजें, जो हमारी बहनें जो लड़ रही हैं इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हों, हमारे भाई जो लड़ रहे हैं सहरी के टाइम पे लड़ रहे हैं, जब इस्तिग़फ़ार का टाइम होता है उस वक्त लड़ रहे हैं, या अल्लाह इन में नरमी पैदा फरमा, या अल्लाह इनको लड़ाई से बाज रख, जो मईसों में देर से आते हैं उनको भी या अली मदद फरमाइए, मौला मदद कीजिए कि वो मईसों में भी टाइम पर आएँ, जो डोनेशन नहीं दे रहे वो भी टाइम पर आएँ, जो ख़त्म कुरान में कल नहीं आना चाहते वो भी आएँ, कल ज़रा टाइम पर आएँ. ये मदद मैं भी मांगूँगा मौला अली से कि या अली मेरी भी मदद फरमाइए, आपके मैं अकेला यहाँ चीख चिल्ला रहा हूं, मेरी मदद कीजिए, लोग आए शामिल हो. और एक मदद खुद अली ने मांगी है, इस पे मजलिस खत्म हो गई. आईनूनी बेवराइन वत्तुका, मौला कहते हैं मैं हर मैदान में तुम्हारी मदद करूंगा. मेरे अब्बा जी फरमाते थे हमारी नहीं करेंगे तो क्या उनकी करेंगे, जो सारी जिंदगी उनके लिए मरे जा रहे हैं
हमारी नहीं करेंगे, यकीन रखो कि बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं, जरूर करेंगे, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक किए हैं, आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। पुकारते रहिए या अली या अली या अली, कहते रहिए बस, पुकारते रहिए ताकि मदद करते रहे। देखिए इसको भी समझ आ गई, माशाल्लाह। आईनूनी बेवराइन वत्तुका, मेरे मानने वालों मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा दुनिया और आखिरत में। हारिस बैठा था, हमदानी है हारिस, उसने कहा मौला कहां कहां मदद करेंगे, फरमाते हैं जहां जहां चाहिए होगी। या हारो हमदान मैं यमुत यरनी, जब मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज करने आएगा और तेरे जैसे मेरे शियों की, तो अपने मौला को वहां पाओगे। सुभान अल्लाह, मौत के वक्त भी अली मदद करेंगे, कब्र में भी अली मदद करेंगे, मैशर के मैदान में भी अली मदद करेंगे, नस्लों की तहारत में अली मदद करेंगे। अलबत्ता तुम मेरी मदद करना, आईनूनी बेवराइन वत्तुका, मुत्तकी बनकर, परहेजगार बनकर मेरी मदद करना कि मेरा मजहब बदनाम ना हो, अपने किरदार व अमल से मेरे मजहब को नेक नाम करना, बदनाम ना करना। शियातना कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु अलैना शैना इन्नकुम नुसिबतुम इलैना, ऐशियो अगर तुम नेक नहीं भी बनना चाहते हो तो इस वजह से बन जाना कि तुम्हारी बदी से तुम्हारे इमाम बदनाम हो। बस तकरीर खत्म हो गई, या अली मदद सब ने कहा, और जैसे जैनब ने कहा, जैसी नादे अली जैनब ने शाम गरीबा में पढ़ी, अल्लाह अकबर। मैं उस वक्त बच्चा था, ये एक बहुत बड़े जाकिर थे हमारे भट्टी साहब, उन्होंने पढ़ा था और उसका मफहूम ये था कि बीबी जैनब ने रुख किया नजफ का और कहा गैरों की मदद करने वाले तेरी बेटी घिर गई है बदमाशों के मजमे में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वक्त आया पहरा देने का, अरब का दस्तूर है अल हाफिज वल हफीज कह के पहरा देते, कल तक पहरा देते थे अबुल फजल। बीबी फिजा ने पूछा बीबी आज हमारे जले हुए खेमों का, हमारे रोते हुए बच्चों का पहरा कौन देगा। बीबी जैनब कहती है अम्मा फिजा आपने मुझे ऊंचा बोलते हुए कभी सुना नहीं, अगर मैं ऊंची बोलूं तो हू बहू अब्बास, मेरा लहजा अब्बास से मिलता है। अल्लाह अकबर, मैं ऊंची बोलूं तो अब्बास की तरह बोलती हूँ। दोनों चली अल हाफिज वल हफीज कहती हुई, एक घोड़ सवार नजर आए। बीबी फिजा को तो मालूम नहीं ना बीबी कोई घोड़ सवार है, कहा उसे रोक, कहा नहीं रुकता, सबील कर, उसे बता गाजी की बहन कह रही है रुक जा, नहीं रुका, कहा तुझे अली की बेटी कहती है रुक जा। बस ये सुनना था, इमामा उतार के घोड़ सवार ने जमीन पे रखा और कहा किसे बताती हो कि किसकी बेटी हो, मैं तुम्हारी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझे नजफ में आराम। सारी बेटियां बहुएं मिली, मजलिस तमाम हो गई, अल्लाह बानियाने मजलिस को जजाए खैर दे, अल्लाह उनके मरहूम हमारे मरहूमीन सब की मगफरत करे। बस मजलिस तमाम हुई, ये किबला आयतुल्ला अल्लामा हुसैन बख्तियारा से मैंने सुना था, मुहाजरीन के महल्ले में भक्कर में किबला ने ये शाम गरीबा में जुमला पढ़ा था, वो जुमला पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। किबला ने पढ़ा था कि अली पूछते हैं सारी बहुएं बेटियां जब मिली, अली पूछते मा आरा मारा हफीदत, मेरी सकीना कहाँ है, क्या वो रेत के टीले के दामन में रो रही है। अली आए दस्त शफकत फेरा, का बेटी मिलोगी नहीं, का मिलूंगी जरूर दादा, मगर एक शिकायत है, आज मुझे यकीन हो गया फूफी ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, अपनी बेटी ने एक मर्तबा बुलाया नजब छोड़ के आ गए, मेरा बाबा जब जबा हो रहा।
या अल्लाह इस तवस्सुल को कबूल फरमा, मरहूमीन के दरजात मुताली फरमा, बानियान मजलिस व इफ्तार से ये खिदमत कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के मरहूमीन की बख्शिश फरमा, हम सब का खात्मा अलल खैर फरमा, मंजूरीन को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, दहशतगर्दी का खात्मा फरमा, इमामुल असर के जहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।